हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फाइनली फ्रांस का कहर टूटा पाकिस्तानियों पर, इंडिया से सीखा पाकी शॉट। चलो देखते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिल जाएँ जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। जी हाँ, आप देख सकते हैं कि जब से फ्रांस के ऊपर टॉन्ट किए गए हैं, भाई आपको योगी आदित्यनाथ से सीखने की आवश्यकता है, तब से लगता है कि फ्रेंच पुलिस को कुछ ज्यादा दम आ गया है। पुलिस जो है इस समय अच्छी पिटाई कर रही है उत्पातियों की, उपद्रवियों की। अजीज दोस्तों, फ्रांस में कुछ बेहतरी आई है, उसके लिए सख्त एक्शन लिए गए हैं। सख्त एक्शन लेने पर बेचारों ने सोचा ही नहीं होगा कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। फ्रांस के डिफेंस मिनिस्टर ने पुलिस की इस हरकत को डिफेंड कर दिया, क्योंकि इससे पुलिस वालों की जानें बचती हैं। भाई होश का नाखन लो, अपने गरीबा में झांको, पहले देखो तो सही खड़े कहाँ पे हो। आप सब जानते हैं फ्रांस का एक बहुत बड़ा हिस्सा दंगों की आग में जल रहा है। फ्रांस की हुकूमत ने इस मौजूदा सूरत हाल को कंट्रोल करने के लिए पाकिस्तान और तुर्की समेत कई अरब ममालिक के माइग्रेंट के वीजा बैन कर दिए हैं, लेकिन फ्रांस ने भारत के साथ दोस्ती निभाते हुए कहा है कि इंडियन वहां पर जा सकते हैं और उन्हें वहां पर जाकर रहने की इजाजत है। अब जो हो रहा है फ्रांस में उसी की आवश्यकता है। मुसलमान को तो वो जीने नहीं देते, आपने देखा नहीं यूरोप में क्या हाल है? ना आप नमाज पढ़ सकते हैं वहाँ पर रोड पे जाकर, ना आपको आपकी औरत पर्दा कर सकती है, ना आपके बच्चे जो है वो स्कूल में स्कार्फ ले सकते हैं, छोटी छोटी बच्चियां जो है उनके स्कार्फ उतरवा रहे हैं। तो वो ये है कि वो कोई भी आप जो है ना खुले दिल का नहीं रहा है सवाई हमारे। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया की लेटेस्ट वीडियो। जैसे कि आप जानते हैं कि पिछले एक दो हफ्तों से फ्रांस से जो न्यूज आ रही थी उसने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया, और दुनिया हैरान होगी जो वीडियो वहां से निकली कि दिन दहाड़े किस तरह एक धर्म से जुड़े लोगों ने फ्रांस को तहस नहस किया। लेकिन कहते हैं ना कि सामने वाले की भी सब्र की कोई सीमा होती है, और अंततः फ्रांस ने उन दंगाइयों से निपटने के लिए सख्त एक्शन लेने शुरू किए, जिसमें फ्रांस की पुलिस ने दंगाइयों को देखते ही उनको ठोकना चालू शुरू किया, जिसकी वीडियो भी दुनिया के सामने आने लगी है। लेकिन सबसे अजीब बात तो ये होगी कि जो पाकिस्तानी सोच के देश है उन्होंने फ्रांस के बारे में और फ्रांस को जो जलाया गया उस पर कोई बात ही नहीं की, क्योंकि जो दंगाई थे वो फ्रांस को जला रहे थे वो सब उसी पाकी माइंडसेट और उसी सोच के थे। लेकिन फ्रांस के एक्शन के बाद अब वही पाकिस्तानी मीडिया और उसके जैसे देश अपने बिलों से बाहर निकलेंगे और बोलेंगे कि फ्रांस की पुलिस और फ्रांस मुसलमानों पर जुल्म कर रहा है। तो दोस्तों, आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया की इस लेटेस्ट वीडियो को। साथ ही साथ आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सहयोग दें। थैंक यू। लेकिन वहाँ क्या कुछ नया हो रहा है? प्रोटेस्टर आया है, उसको बता रहे हैं कि तू क्यों आया। जब से फ्रांस के ऊपर टॉन्ट किए गए हैं, भाई आपको योगी आदित्यनाथ से सीखने की आवश्यकता है, तब से लगता है कि फ्रेंच पुलिस को कुछ ज्यादा दम आ गया है। और फ्रेंच पुलिस ने लाठी चार्ज, बैटन चार्ज, वाटर कैनन, वो अब होश आया है, जिसको कहते हैं कि सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या किया। अगर इंटरनेट रोकना ही था भाई मेरे, आपने अब इंटरनेट पर बैन किया। अरे यार, ये पहले दिन कर देते। आपको पता है ना कि भाई ये जब लेफ्टिस्ट और इस्लामिस्ट मिलके जब ये क्योस क्रिएट करते हैं, दंगे कराते हैं, तमाशेबाजी कराते हैं, समझ में आएगा 370 हमने क्यों इंटरनेट कश्मीर में सब कुछ बंद किया था। समझने की आवश्यकता है कि ये कि जिसको हम इस्लाम कहते हैं वो अपने अनुयायियों को एक ही बात सिखाता है कि तुम्हें काफिरों के ऊपर गलवा करना है, यानी उनके ऊपर डोमिनेट करना है। तो अब जो हो रहा है फ्रांस में उसी की आवश्यकता है। तो भाई फ्रांस वालों, थोड़ा और जागो, पुलिस जो है इस समय अच्छी पिटाई कर रही है उत्पातियों की, उपद्रवियों की, यह स्वीकार्य है।
क्या आप समझते हैं कि इतना ज्यादा अननेसेसरी डिस्प्रोपोर्शनेट प्रोटेस्ट करने की वजह से आप कोई अपनी बात सुना पाएंगे? नहीं, आप खुद भी इंसल्ट होगी, आपकी मुआशरे की भी होगी, उस मुल्क की भी होगी, और आइंदा आने वाले मुसलमानों के लिए भी मसाइल पैदा होंगे। ये मैं आपको बड़ी पते की बात बता रहा हूँ। आप सब जानते हैं फ्रांस का एक बहुत बड़ा हिस्सा दंगों की आग में जल रहा है। फ्रांस की हुकूमत ने इस मौजूदा सूरतेहाल को कंट्रोल करने के लिए पाकिस्तान और तुर्की समेत कई अरब ममालिक के माइग्रेंट के वीजा बैन कर दिए हैं, लेकिन फ्रांस ने भारत के साथ दोस्ती निभाते हुए कहा है कि इंडिया वहां पर जा सकते हैं और उन्हें वहां पर जाकर रहने की इजाजत दी है। साथ ही साथ फ्रांस की हुकूमत ने ये भी कहा कि जो इंडियन स्टूडेंट इस वक्त फ्रांस में मौजूद है उन पर मौजूदा सूरतेहाल का कोई भी असर नहीं पड़ेगा, वहाँ की सरकार इसकी पूरी पूरी गारंटी लेती है। तनवीर क्या कहेंगे इस वक्त फ्रांस की जो मौजूदा सूरत हाल है, उन्होंने जो है तुर्की पाकिस्तान समेत कई अरब ममालिक के जो मुसलमान हैं उनके वीजा बैन कर दिए हैं, लेकिन खास कर अगर हम बात करें इंडियन मुस्लिम की तो उन्होंने कहा है कि वो वहां पर जा भी सकते हैं, वहां पर जाकर रह भी सकते हैं। देखिए पाकिस्तानियों या तुर्की, क्योंकि हम है वीक मुल्क है, यहाँ से लोग अनलीगल रोजी के सिलसिले में जाते हैं, तो एजेंसियों को कोई इशू होगा और उन्होंने इस पर इसलिए पाबंदी लगाई होगी। अच्छा, आपको पता है कि वहाँ पर जो इंडियन स्टूडेंट मौजूद हैं उन्होंने कहा है कि उनका इस पूरे सूरत हाल से उनके ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा, फ्रांस ने इंडिया के साथ अपनी दोस्ती निभाते हुए ये बात की है। लेकिन अगर इस चीज से हटके भी आप इंडिया को देखते हैं तो इख्तलाफ अपनी जगह, वो एक ये है कि आप इंटरेस्ट होते हैं मुल्कों के आपस में, अब फ्रांस के इंडिया के साथ इंटरेस्ट है, वो उधर से वो जंगी सामान हथियार वगैरह भी खरीदता है, आपस में मिलिशियत का कॉन्ट्रैक्ट होता है, इसलिए वो मुल्क एक दूसरे को फेवर करते हैं। मेरे ख्याल में यही रीजन होगी। इंडिया इस वक्त दुनिया की दूसरी बड़ी आबादी के लिहाज से मुल्क भी है और पांचवी बड़ी इकानमी है, और लोगों का उधर तजारत ज्यादा है, इसलिए उधर वो इतना जितना पाकिस्तान पे प्रेशर रखते हैं इंडिया पे उतना प्रेशर नहीं रख सकते। लेकिन सर ऑल ओवर द वर्ल्ड जो रिस्पेक्ट जो डिग्निटी इंडिया को मिलती है उस तरह से पाकिस्तान और दूसरे ममालिक में रहने वाले मुसलमानों को नहीं मिलती। अब आप देखें कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अगर कहीं पर चले जाएं तो किस तरह से लोग झुक झुक के उनका पांव छूकर उनका इस्तकबाल करते हैं। देखिए आप भी पाकिस्तानी, मैं भी पाकिस्तानी, लेकिन इसका आप ना वो देखें, ये वो मोदी का या इसमें ये कंट्री वाइज होते हैं रिलेशन, और हम माशाल्लाह से इतने कमजोर हैं, देखें हम कुछ कोल उठा के भाग रहे हैं, तो वो जो आपको पता है बकारियों की तो घर में नहीं इज्जत होती, तो बाहर क्या है ये वजह। मस्जिद अक्सा में पत्थर के ढेर रख के बैठ के नमाज पढ़ते हैं, मतलब हद नहीं है, मस्जिद से पथराव करते हैं। मुझे पहला तो ये सवाल समझ में नहीं आता कि मस्जिद की छत पे इतने हजार पत्थर पहुंच कैसे गए, क्योंकि हम बचपन में पाकिस्तान में, हमें पता है आपको कि इस्लामिक हिस्ट्री बहुत ज्यादा पढ़ाई जाती है, लेकिन आज जब शऊर आया है, जब चीजों की समझ आई, जब यूरोप में बैठ के इंडिपेंडेंट हिस्ट्री पढ़ी, तो पता चला वो इस्लामिक हिस्ट्री एक ब्रूटल हिस्ट्री थी और उसका मकसद सिर्फ और सिर्फ एक्सपेंशन था, वही मकसद था जो ब्रिटिश एम्पायर का था। उसमें फर्क सिर्फ यह था कि उन्होंने इस्लाम के नाम पे किया, मजहब को यूज किया। इनसे ज्यादा बेगैरत बेशरम इस्लामिक रूलर से ज्यादा कोई नहीं रहा, जिनका कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं होता था। जंगों में भी पराई औरतों को गुलाम बनाना, सेक्स स्लेव्स बनाना, 5,000। तो आज जो यूरोप में हम देख रहे हैं, जो हिंदुस्तान में देख रहे हैं, भाई मुझे ये बताएं कि मैं हैरान होकर देख रहा हूँ यार। शॉकिंग, जितना सुनो उतना शॉक ही लगता रहता है भाई। और देखो कि अभी भी सोच कैसी है जो जा रही है इंटरव्यू लेने वो भी, और जो उस इंटरव्यू का आंसर दे रहे हैं, कोई भी कंडेम नहीं करता कि भैया ये सोच की वजह से हुआ कि तुम जिस देश में, किसी ने ये बोला कि जिस देश में तुम गए उसी देश को तबाह कर रहे हो, हाँ शर्म आनी चाहिए तुमको, किसी ने भी वो मुंह से नहीं बोला। ऊपर से दूसरी चीज़ है, वो क्या दिखा रहे हैं कि विक्टिम कार्ड, अब क्लियरली वो बोल नहीं सकते कि विक्टिम कार्ड अभी भी प्ले कर रहे हैं कि इंडिया तो ताकतवर हो गया है, पांचवी इकोनॉमी हो गई है, फलाना ठमकाना। अरे इंडियन मुस्लिम्स जो फ्रांस में, उनको ये इज्जत इसलिए मिल रही है कि वो इंडियंस हैं, वो इंडिया की वजह से उनको मिल रही है, क्योंकि उन्हें पता है कि इंडिया में इस टाइप की कट्टरपंथी को हम नहीं बढ़ावा देते, और बाकी कंट्री से जो आ रहे हैं वहाँ से कट्टरपंथी, अब इंडिया भी वही प्रॉब्लम्स जो है फेस कर रहा है, उनको भी पता है, तो इसलिए वो इंडिया के साथ सपोर्ट कर रहे हैं। ये इतनी सिंपल सी बातें इन्हें समझ नहीं आती जी। अरे देखिए, इसमें सिर्फ यही मेन पॉइंट है कि नॉर्दर्न अफ्रीका से जो बहुत समय से फ्रांस में आ रहे थे इमिग्रेंट्स, नॉर्दर्न अफ्रीका से, पूरी वो इस्लामिक बेल्ट है, आने के बाद उन्होंने शायद वहाँ ग्रैटिट्यूड नहीं शो किया, उन्होंने मतलब उनका जो भी कंटेक्स्ट है डिफरेंट था, कि एक नहल की मृत्यु ही जो पुलिस वाले ने गलत किया है, बेटर कर सकता था, मगर उसके बाद जो रिस्पॉन्स था वो बहुत ही
मतलब आउट ऑफ द वे था, इतना जबरदस्त रिस्पॉन्स, जैसे पता नहीं अंदर से क्या चल रहा है, पहले से ही भड़के हुए बैठे हैं, टू मच रिस्पॉन्स था। इसीलिए उनकी गवर्नमेंट अब चेक करेगी कि ऐसा क्यों हुआ, लोगों को क्या प्रॉब्लम थी, क्या उनको पढ़ाया जा रहा है, जब वो यहाँ पे आ रहे हैं क्या पढ़ाया जा रहा है, उनको एंटी फ्रांस क्यों बनाया जा रहा है। तो उस पर वो रूट कॉज पे जाएंगे कि क्या इनका प्रोसेस है जो एंटी फ्रांस बना रहा है लोगों को। इंडिया में भी तो यही हो रहा है, और उस पर क्रैक डाउन करेंगे। पूरा यूरोप सीखेगा इससे कि फ्रांस को क्या पता चलता है। हमारे यहाँ मोस्ट लाइकली जितनी भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस हैं वहाँ पे फ्रेंड्स फ्रांस का सुपरविजन होगा, उनका करिकुलम, वही सेम चीज़ जो मैं कह रहा था कि आप इंडिया में भी मेक श्योर करिए कि गलत चीज़ ना पढ़ाई जा रही हो, क्योंकि उसी वजह से देख नहीं रहे कि जब जाते हैं तो बोलते हैं जो ये प्रथा वो पत्थरबाज आ गए ऊपर बैठे हुए होते हैं, ये भी वही बात जब एग्जाम्पल था कि जब कुछ भाई साहब ने वीडियोज किए थे कि योगा डे में किसी को पता नहीं था योगा डे क्या है, तो क्या पढ़ाया जा रहा है ये देखना पड़ेगा कि क्या उनको पता भी चल रहा है पूरे देश में क्या हो रहा है। और उन छोटे बच्चे अपने ही किसी बबल में वो उनको वो पता नहीं क्या पढ़ाते, जो इनोसेंट बच्चे आए हैं उनको देखा था इतने इनोसेंट थे, उनको क्या पढ़ा पढ़ा के उनका दिमाग खराब करते हैं कि कल को वो वहां पे खड़े होके पत्थर मारते हैं अपने देश के लोगों को ऑन नेम ऑफ रिलीजन। ये हो रहा है, फ्रांस भी वो ये फेस कर रहा है। तो चलो आप भी शेयर करना अपने थॉट्स, चलते हैं मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।